कितने साल हो गए, ये हमारा सीमा क्षेत्र जहां पर गैस और पेट्रोलियम की बहुत संभावनाएं बढ़ गई है। वैज्ञानिक अनुमान है कि यहां के गैस और पेट्रोलियम से देश को एक नई ताकत मिल सकती है, और जितने प्रयोग हुए हैं वो सफल हुए हैं। गुजरात में 50 साल से सफलता मिल रही है, आपके यहां अभी अभी ये शुरुआत हुई है। मेरे भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में यहां जिस प्रकार से पानी एक ताकत बन सकता है, वैसे ही ये मेरी मरुभूमि गैस और पेट्रोलियम के कारण हिंदुस्तान की ताकत बन सकती है। और ये हमारी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि मैंने इन विषयों का गहरा अभ्यास किया है। उधर पाकिस्तान की तरफ देखिए, सामने पाकिस्तान की तरफ देखिए, वहां पर पाकिस्तान ने गैस और पेट्रोलियम के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम आरंभ किया है। अगर वहां गैस और पेट्रोलियम में इतना काम हो सकता है तो ये वही धरती है, यहां पर भी वही फायदा मिल सकता है। भाइयों बहनों, हमने गुजरात में पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी बनाई है, ताकि जिस क्षेत्रों में गैस और पेट्रोलियम की संभावनाएं पड़ी है, वहां के नौजवानों को शिक्षित करना, पढ़ाना, तैयार करना। मैं बाड़मेर के नौजवानों से प्रार्थना करता हूं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो कैरियर बनाना चाहते हैं, एक बार इंटरनेट पर जाकर के, गूगल पर जाकर के गुजरात की पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी को सर्च कीजिए। और मैं विशेष करके इस इलाके के विद्यार्थियों को, यहां के नौजवानों को निमंत्रण देता हूं कि आप गुजरात की पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। इसलिए नहीं कि वहां विद्यार्थियों की कमी है, इसलिए कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद यहां पर गैस और पेट्रोलियम के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम होने आ, ये मेरा सपना है। और तब यही के बच्चे अगर पढ़े लिखे होंगे गैस और पेट्रोलियम क्षेत्र में, वे विद्वान हुए होंगे, तो यहां का पूरा कारोबार वही संभाल लेंगे और यहां के नौजवानों को रोजगार का अवसर मिलेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं विशेष रूप से, ये बाड़मेर भी मेरा ही है भाइयों, यहां के नौजवान भी मेरे हैं, ये गुजरात आपका है, ये पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी भी आपकी है, आप उसका जितना लाभ उठा सको